टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। हिंदुस्तान में पायलट महिलाओं की उड़ानों की कहानियां हम रोज सुनते हैं कि भारत की बेटियां किस तरह आसमानों पर कुमंदे डाल रही हैं। आज हम भारतीय कश्मीर की एक कम उम्र पायलट आयशा अजीज से आपको मिलवाते हैं। I was very fascinated by flying and to be at 40,000 feet uska ek alag hi charm hota hai and you are flying constantly aap ek jagah se dusre jagah jate hai you get to meet so many different kind of people so I think these things were the reasons why I wanted to become a pilot it is very challenging kyunki ye aapka day to day life job ki tarah nahi hota hai 9 to 5 desk job it is you're traveling to different places you don't have a pattern ki aapko subah mein jana hai sham ko aana it is like any time you can go as in you have a night flight to aapko raat mein jana hai you have like an early morning flight so you don't have a fixed pattern बच्चों को उनकी मुस्तकबिल और उनको जहाँ पहुँचना है हमें जो कुछ भी एज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पेरेंट्स वी शुड फुलफिल टू अचीविंग देयर गोल एंड टारगेट के दिनों में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी लड़ रहा है जहां भारत को कोरोना के खिलाफ बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने के हवाले से सराहा जा रहा है वहां भारत की चोटी कश्मीर में बर्ड फ्लू के पाए जाने के बाद इसकी रोकथाम के लिए काम शुरू हो चुका है इस सिलसिला में एक खसूसी रिपोर्ट देखते हैं हमें कुछ जो अनयूजुअल डेथ रिपोर्ट हुई उसके हमने सैंपलिंग करवा के उनकी उसको फॉर फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिसर्च लैब में भेजा जो क्रोज की बहुत सारी सैंपलिंग्स हुई लेकिन वो सारे नेगेटिव पाए गए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे धंधाल भी पंचायत में एक जगानू के पास एक गांव है रिसेंटली पिछले कुछ 10-15 दिन पहले वहाँ पे डोमेस्टिक फॉल्स और पी फॉल की अनयूजुअल डेथ हुई वो पी फॉल बींग अ नेशनल बर्ड हमें उसके सैंपलिंग करके तो रिसर्च लैब यहाँ पे जम्मू में भेजा और उसकी अभी जस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले उसकी टेस्ट पॉजिटिव में कंफर्मेशन हो गई है तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न बर्ड फ्लू जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये बहुत ही हाईली कंटेंजियस है और इन्फेक्शियस है और मोर सो जब डोमेस्टिक हमारे पोल्ट्रीज हैं ह्यूमन कंसेप्शन के साथ इनका सीधा नाता है
जैसे ही ये ह्यूमन में अगर ट्रांसमिट हो जाता है तो दिस कुड बी अ वेरी पेंडेमिक लाइक सिचुएशन। तो इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं इन टैंडम इन कंसर्टेड एफर्ट में हम काम कर रहे हैं, और हमारी टीम आज भी वहाँ पे गई हुई है, यहाँ पे ये लोकेशन थी उसके विद इन 1 किलोमीटर रेडियस एज पर SOP एंड गाइडलाइन हम जितने भी पीफोल्स मिलेंगे तो हमारी टेंडेंसी रहेगी कि हम उन्हें सेग्रीगेट करेंगे और क्वारंटाइन करेंगे, और उनकी सैम्पलिंग होगी, जब तक ना वो उसकी रिपोर्ट आएगी तब तक हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो एक दूसरे बर्ड्स के साथ मेल मिलाप है उस पर हम स्ट्रिक्टली बैन। रियासत जम्मू और कश्मीर भारत के मकाम राजवाड़ी में दिल मोहम्मद साहिब के उर्स को मनाया गया, जिसमें सभी मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस सिलसिला में आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। द श्राइन ऑफ सूफी सेंट दिल मोहम्मद साहिब लोकेटेड इन द फतेहपुर विलेज ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट is an abode of peace and tranquility. People cutting across all religious lines gathered at the shrine to attend the urs of the holy saint. They offered special prayers at the shrine and wished for peace and prosperity to prevail across the nation. बहुत सारे उलमाए इकराम रजौरी और पुंछ के और दीगर जितने लोग हैं आगे पीछे के, वो इस हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने उर्स में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। As a part of celebrations, Sufi scholars and imams sermoned the public on the life, religious services, teachings and spiritual strength of the saint who devoted himself in service of the public good. Forming an integral part of the public ethos for the last several centuries, even today the Sufi traditions play an important role in the lives of the people and connote them with an understanding of the world in all its spiritual dimensions. Community kitchen or langar was also set up at the outdoors to serve meals as holy sacrament to the devotees coming from different religions. हाँ, जहाँ आप जाएंगे जिस मैदान पर जाएंगे देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ रंग नस्ल की बात नहीं, यहाँ किसी ऊंच और नीच की बात नहीं, एक ही जगह बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं और एक ही खाना बनता है और सब लोग बड़ी खुशी से, और इसमें बरकत भी है और इससे शफा भी है। The Urs commemoration of the Sufi saint and number of devotees coming to the shrine clearly indicates that the lesson of humanity and compassion towards all religious communities is still having its roots deeply embedded in the culture and tradition of India. कश्मीर में सर्दी अपने जोरों पर है। कश्मीर के वासियों का कहना है कि ऐसी कड़ाकेदार सर्दी 30 साल बाद देखने को मिली है। सर्दी में ठिठुरते लोग अपनी कैफियत यूं बयान करते हैं। तकरीबन 30 सालों से ये आज मैंने पहली बार इतनी सर्दी देखी। 30 सालों के बाद आज ये सर्दी आई है, तो इसमें एक तरह से अच्छा है लेकिन दूसरी तरफ से हमें थोड़ा परेशान भी करता है। पानी भी नहीं है, मतलब सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है, पानी गिर जाता है तो वो जम जाता है, आदमी को मुश्किल होता है चलने फिरने में। तो जो शुगर पेशेंट है और जिसको वो
बीपी होता है तो उनके लिए ज़्यादा खतरा है ऐसे मौसम में निकलने के लिए। सर्दी कश्मीर में सियाहत के कारोबार को भी चमका रही है। मकामी लोग और सयाह बर्फ से ढकी वादियों और पहाड़ों में घूमते फिरते बर्फ के गोलों से खेलते हुए कश्मीर की तारीफें करते नहीं थकते। कश्मीर है ही फेमस इतने अपनी अपनी हसीन वादियों के लिए और इतना सुंदर यहाँ पे जो देखने मिलता है सीनरी, लेकिन इस बार ठंड माननी पड़ेगी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछले बार हम आए थे तो इट वाज समर, बट यहाँ पे जो बर्फ़बारी और जो अभी ठंडी और बर्फ़ जमी हुई झील देखने मिल रही है और काफ़ी अच्छा नज़ारा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। सब लोग अब्रॉड जाते हैं ये इंजॉय करने स्पेशली, तो मेरे को अच्छा लग रहा है बोलने के लिए अपने इंडिया में इतना खूबसूरत कश्मीर है तो अब्रॉड जाने से बेटर है कि इंडिया में आके इंजॉय करो, अपने इंडिया का टूरिज्म बढ़ाओ और इधर की हॉस्पिटैलिटी देखो। कश्मीर में मशरूम की फसलें भी किसानों को खुशियां फराहम कर रही हैं। इस ज़िम्न में देखते और सुनते हैं कि किसान क्या कहते हैं। ये जो हमारा मशरूम डेवलपमेंट सेंटर जलास में है तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पुंछ की तरफ से यहाँ पे हमने खोला हुआ है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम को चलाने के लिए कि इसमें किसानों में जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए और उसको कैसे तैयार करना है मशरूम को, मशरूम का कंपोस्ट कैसे बनाना है, उसमें वो जो है वो कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, वो तकरीबन एक महीने का वो प्रोसेस होता है। तो वो हम डिफरेंट जो किसान जो इस मशरूम की कल्टीवेशन करने में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो हम उनको यहाँ पे उनको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो वो हम उनको सारा वो तरीका बताते हैं।
आज का कश्मीर न्यूज बुलेटिन मेरे साथ देखने और सुनने का शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।